मन के साथ बातचीत होती है कि तुम फंसे हो तो जल्दी जल्दी से अपने को इस शरीर से ऊपर उठाओ, खेल खेलो, खेल में कोई दिक्कत नहीं, खेल में अंदर जाके मैं तू ना करो, अंदर एक न दो, अंदर से परमात्मा और उसकी प्रकृति, उसकी प्रकृति ये शरीर से, शरीर प्रकृति से के तत्व से मिलकर बना है, उसकी रचना पे ध्यान दो, वो तुम नहीं हो, ये रचना को मैं अपने को माने बैठे हो वो नहीं हो, ये रचना है उसमें तुम विराज रहे हो, जैसे घर बनता है उसमें हम लोग जाते हैं तो ऐसे घर में रहते हैं, घर थोड़ा ना हम है, ऐसे ये शरीर है। अब ये कहना बड़ा सरल है, बोल देना बड़ा सरल है, लेकिन इसका रात दिन अभ्यास करके इसमें टिकना, इसके लिए जीवन तो क्या जन्म लग रहे हैं, कंप्लीट नहीं होता है फिर लौट के आता है और श्रीमान के घर जन्म लेके अपना योग कंप्लीट करते हैं, ये गीता में लिखा है ना, ये सत्य है, लेकिन करना तो यही है, तब तक जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं है जब तक हम सत्य में टिक नहीं गए, बोले जब तक अपने घर नहीं आ गए तब तक बार बार मकान बदलते रहते हैं ना, तो किराए का मकान, इसमें कोई प्रॉब्लम होने लगी तो उसको बदल दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम होने लगी उसको बदल दिया, किराए का मकान है, किराए के मकान में कैसे, जब अपने घर में आ जाते हैं तब चैन आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी उस मकान की टूट फूट होती रहती है, रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, उसे रिपेयरिंग करवाते रहे, बनाना पड़ता है, बोले अपने घर में आने के बाद भी, अभी ये थोड़ा ना कि कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं ऐसा थोड़ा ना, कुछ तो होता ही रहता है, क्योंकि कभी बोले पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कभी जो है ना बिजली की उसमें कुछ होने लगता है, कभी कुछ कभी कुछ, तो कुछ ना कुछ रोज ना रोज कुछ ना कुछ होता रहता है घर में अपने आने के बाद भी, ऐसे ही अपने सत्य स्वरूप में टिकने के बाद भी बाहर का खेल में करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ देखना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ करना, तो बोलो उस खेल को बस उसको कर रहे हो, व्यवस्था कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, जैसे घर में कोई भी रिपेयरिंग हो, कोई भी टूट फूट हो ठीक करना है, तो ऐसे इसको ठीक करना है, लेकिन ये मैं हूं थोड़ी ना, ये नहीं हूं मैं, अलग हूं, इन सब का दृष्टा हूं, इन सब को देखने वाला हूं और इन सब के संभाल कर सकता हूं, लेकिन जहां तक कर सकते हो वही तक कर सकते हो, उसके बाद क्या होता है, अब भैया बहुत सीख लेते हैं, थोड़े तार जोड़ना सीख लेते हैं, थोड़ा प्लम्बरिंग का काम सीख लेते हैं, थोड़ा कुर्सी बनाना सीख लेते हैं, ये उसकी ठोका ठाकी कर लेते हैं, की बिगाड़ना सीख लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब ज्यादा वो होता है तब क्या बुलाया जाता है ना, प्लम्बर बुलाया जाता है, कभी इलेक्ट्रीशियन बुलाया जाता है, कभी कोई बुलाया जाता है, हर हर उसका डिपार्टमेंट वाले बढ़िया बढ़िया लोग होते हैं जो उसके माहिर होते हैं, उनको ही तो बुलाया जाता है जो इसमें जानते हैं इस कला को, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो चाहे प्लम्बर हो, जब अपने से नहीं होता तो दूसरे को बुलाया जाता है, बस ऐसे ही मन जब खराब होता है अपने से नहीं ठीक हो तो गुरु की शरण में या तो संतों की शरण में जाके ठीक किया जाता है, देखा जाता है कि हम ही तो देखो मन के मन से मान के ही तो अपने को कुछ जान के ही ठीक करने वाले बन जाते हैं, हमसे ठीक हो नहीं रहा है तो वो हाथ में सौंप दो, जो कारीगर है इसका एक्सपर्ट है उसके हाथ में सौंप दो तो देखो ठीक हो जाएगा, तो इसका एक्सपर्ट मन का एक्सपर्ट कौन है, गुरु जी, सतगुरु, गुरु तो बहुत होते हैं लेकिन सतगुरु बिल्कुल अलग होता है, कल ऐसे किसी का संत का सुन रहे थे तो बोल रहे थे वही बात बोल रहे थे जो
अक्सर हम भी बोलते हैं कि किसी एक के आगे तो झुके, किसके आगे झुकता है मन, किसी एक के आगे भी नहीं, 100% उसको सही मान के नहीं झुकता है तो, या उसको इतना हितैषी नहीं समझता है, अपनी बुद्धि को ज्यादा हितैषी समझता है अपना। तो जब तक ऐसा नहीं तब तक थोड़ा ना होता है, तब तक हम अपनी आत्मा में टिक ही नहीं सकते। कहने की बात है कि हम टिके हैं आत्मा में, टिक ही नहीं सकते। ये तो यही मार्ग है, अकेला एक है वन मीटर पे, कि सत गुरु के साथ जब समय बिताओ और उनके वचनों पर चलो, चलते 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 बोले एक शब्द भी ढहने ना पाए। कल मजंदा भैया भी बोल रहे थे, रेखा जी भी बोलती है ना कि गुरु के वचन ढहने ना पाए, उसको गोच लो, उसको जमीन में ना गिरने दो। तो बोले ऐसी जब होता है उसके बाद भी उसकी नजर चाहिए, वो नजर जब देता है तब काम बनता है। हम मनमती से कुछ भी करते जाए उससे हमारा हमारा काम नहीं बनता, लोगों का तो बन जाता है, हमारा नहीं बनता। लोगों को तो आराम मिल जाता है भाई, किसी का भी स्वार्थ हम पूरा करें उन्हें आराम मिल ही जाएगा हमसे, लेकिन हमारा कब स्वार्थ पूरा होगा? हम सच्चे स्वार्थी कब बनेंगे? हम स्वार्थी सच्चे बनना है, स्वार्थ छोड़ना नहीं है, स्वार्थ का स्थान बदल देना है। सच्चे स्वार्थी बन, मतलब बाहर की चीजों के स्वार्थी ना बनो, किसके स्वार्थी बनो? गुरु के नजर के। गुरु की नजर कैसे मिले हमें? तो छोटी छोटी बातों से ही मिलती है, बड़ी बड़ी बातों से नहीं मिलती है, नन्ही नन्ही बातों में जो ऐसे नजर अपने आप मिल जाती है। क्यों हमारा चित्त उन्हीं में है? हाँ, चित्त उन्हीं में लगा रहता है। जब चित्त लगा होता है तो वो मन में साथ में रहता भी है, लेकिन मन में कुछ कुछ और चलता रहता है, तब क्या होता है? लगेगा कि गांठ जुड़ी है साथ में, लेकिन गांठ नहीं जुड़ी है, गांठ में जाने क्या क्या चल रहा है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो बात तो वही है कि वर्तमान में हम जहां रहें, जिसके साथ रहें, जैसे रहें, तो थोड़ा सा वहीं पे ईश्वर देख कर रहे, भले वो कोई भी प्लेस हो, कहीं भी, घर हो, दुकान हो, ये हो, किसी दूसरे का घर हो, रास्ते में हो, ट्रेन में हो, कहां हो, ईश्वर देख कर रह पाते हैं, तो अपनी खुद ही के उसमें रहते हैं। खुद ही से ही तो दिक्कत है भगवान को, क्योंकि खुदा तो है ही, लेकिन खुद ही के कारण खुदा छिपा हुआ है और अहंकार से हम लोग सने हुए, अहंकार ज्ञानी हो गए कुछ लेकिन सच में ज्ञानी कहाँ है? तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूरे होते हैं, तेरी महफिल के दीवाने नशे में होते इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं, वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं, तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं, मजा
घर से खुद वो मुड़ जाते मर जाता लोगों को, घर से खुद वो मुड़ जाते ना दर्पण ना बेचैनी बेचैनी जो तेरे रंग में रहती, तेरी मैं के दीवाने नशे चोर होती, वो इस दुनिया मेरे पर भी दिल से दूर होती, वो डेरा से चाहे जंगल बसेरा, वो डेरा से चाहे जंगल बसेरा, नहीं वो डूबता सूरज अमावस का अंधेरा, नहीं वो डूबता सूरज अमावस का अंधेरा, जिधर गिरती नजर उनकी खयाल मोर होते, जिधर गिरती नजर उनकी खयाल मोर होते, तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते, वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते, वो तो कूटा निश्चल आए जाके है सब करे तब, वो तो कूटा निश्चल आवे जाके है सब करे तब, वो खुद आशिक वो खुद माशूक सदा भरपूर रहते, वो खुद आशिक वो खुद माशूक सदा भरपूर होते, वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते, तेरी महफिल के दीवाने
नशे में चूर होते वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते। सब कर रहे हैं सब, उसके बाद भी अंदर से लिप्त नहीं, अंदर से फंसे नहीं। अब ये स्थिति जब तक हमारी ना हो तब तक हम कैसे गुरु की बात को माने, कैसे हम जाने, नहीं जान सकते ना। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति होती है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी बात नहीं तो माननी पड़ती है। मान मान के जाना जाता है, जैसे मास्टर आड़ी तिरछी लाइनों से ए आ लिखना सिखा देता है, वैसे ही बड़ी बड़ी किताबें फिर पढ़ने लगता है, सेंटेंसेस बनाता है, फिर किताबें पढ़ने लगता है सब। तो कैसे उस, जब तक मान ही नहीं तब तक कैसे जानेगा। तो मानने से ही तो जाना जाएगा। इतने बड़े भगवान आए, राम आए, कृष्ण आए, गुरु जी आए, तो उनको भी गुरु करना पड़ा ना, वो भी गुरु की शरण में गए ना। तो हम लोगों को बिना गुरु की शरण में गए मिल जाएगा, ये कैसी भ्रम की बात है, बुद्धि का भ्रम की बात है। बिना सर झुकाए कैसे मिल जाएगा, अंदर का प्रगति नहीं हो सकता, निकल ही नहीं सकते। कर्म बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं, बहुत बुद्धि के विकारे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बहुत धन इकट्ठा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर का चैन नहीं मिलेगा तब तक जब तक अंदर के चैन वाले से मिलेंगे नहीं। जो चैन वाला है वो अंदर ही तो प्रकट होता है, निश्चिंती देने वाला अंदर ही तो है, अन्यथा तो हमेशा उधार का सौदा रहेगा। तुम पास रहो, तुम दूर रहो, तुम जाओ, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, हम लोग हमेशा इसी में फंसे रहेंगे कि भैया कोई तो हो। देखो जीवन में अकेले कैसे रहता है, अरे बग्गा दीदी लोग रहती है ना, अकेले कैसे रहती है, और बड़े शुक्राने में रहती है। कल अंता बोल रही थी तुम्हें, अरे शुक्राने में रहना सीखो, कितना अच्छा है कि भगवान बोलो कैसे रह रहे हैं। तो अपनी हालत से दूसरों को देखना सीखो और उनको कैसे किस युक्ति से वो इतने आराम में हैं उनसे सीखो, थोड़ा उनसे बातचीत करो तो समझ में आएगा। क्योंकि गुरु जी की तो हम लोग को जल्दी समझ में आती नहीं है, उनका तो दिल मिल रहा होता है सब, उनका सब हो रहा होता है, तो हम कहेंगे अरे मिल रहा है, हो रहा है। तो नेचुरल सी बात है, भगवान में टिकना कितना सरल है, और सरल तो है ही उस समय, लेकिन जो पीछे का है उसको देखने वाली बात तो करो, ये सब मिला कैसे, इसकी तरफ निगाह डालो। संतों की चांदी के ग्लास में पानी पीना, औरतों के कंधे पे सर रखना सबको दिखाई देता है, कंधा पकड़ के चलना दिखाई देता है, बड़ा बढ़िया है। संत मैं हम भी संत बन जाते हैं, चलो कल से हम भी बाबा का चोला अपना लेते हैं, कहना बड़ा सरल है, लेकिन उस स्थिति में आना बोले जीवन लग जाते हैं, जन्म लग जाते हैं, फिर भी आ पाए जन्म कल्याण है, बोले कई जन्म के बाद मिल जाए अगर तो जन्म हमारा उद्धार हो गया। हम लोगों का उद्धार इसी का तो करना है, अपना उद्धार करना है, दूसरों का उद्धार करने से अगर हमें आराम ना आए तो बेकार है। करा तो बहुत कर करके शरीर का क्या हाल कर लिया, और शिकायत भी रही, शिकायत हमेशा रही कि सामने वाला हमारे को देखता नहीं, पूछता नहीं। जब ज्ञान को सच में अंदर अपनी नस नाड़ियों में, कहते हैं दिमाग में बिठाओ पहले, कि जो कुछ भी होता है वो सब उससे हो रहा है, जो गलत है जीवन में वो हमारे ही अपने कर्मों का लेखा जोखा है,
तो कर्मों के लेखे जो को गुरु के विचार से चल चल कर ये तो काटा जाता है। अपने आप कैसे काट सकता है कोई, काट के दिखाए? कोई नहीं काट सकता, ना हम ना तुम। तो गुरु इसलिए जरूरत है गुरु की, झुकने की जरूरत है। किसी एक के आगे तो मन झुकता हो, उसको बिल्कुल राइट मान के यस मैन की तरह से उसके बोले। कोई भी भाई हो सकता है, बहन भी हो सकती है, पत्नी तो कर, आदमी पत्नी तो जो भी हो, जो भी कोई एक तो हो, माँ हो, कोई हो, लेकिन सब में हमें कमी दिख जाती, सब में। जब तक ये कमी दिखती रहेगी तब तक ही तो हम किसमें है, दे भाव में, दे में अटके पड़े। रब को देखने की निगाह देता है। निराकार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की ये दवा देता है। निराकार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की ये दवा देता है। सनातन पुरातन की बातें हैं लेकिन, सनातन पुरातन की बातें हैं लेकिन, ये अनुभव का लेवल लगा देता है। सनातन पुरातन की बातें हैं लेकिन, ये अनुभव का लेबल लगा देता है। निराकार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की ये दवा देता है। जो आँखों में दुनिया समाई थी सारी, जो आँखों में दुनिया समाई थी सारी, ये रब देखने की निगाह देता है। जो आँखों में दुनिया समाई सारी, ये रब देखने की निगाह देता है। निराकार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की ये दवा देता है। ये मैं की झूठी बीमारी छुड़ा कर, ये मैं की झूठी बीमारी छुड़ा कर, मैं हूँ आत्मा ये बता देता है। ये मैं की झूठी बीमारी छुड़ा कर, मैं हूँ आत्मा ये बता देता है। निराकार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की ये दवा देता है। जो रावण का सर ले के आया इस दर पर, जो रावण का सर ले के आया इस दर पर, ये श्री कृष्ण का सर लगा देता है। जो रावण का सर ले के आया इस दर पर,
ये श्री कृष्ण का सर लगा देता है, निराकार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की ये दवा देता है, ये बदले में लेता पापों की गठरी, ये बदले में लेता है पापों की गठरी, ये शुद्ध ज्योत निर्मल बना देता है, ये बदले में लेता है पापों की गठरी, शुद्ध ज्योत निर्मल बना देता है, निराकार आया गुरु रूप बनकर, जो हर रोग की ये दवा देता है, सनातन पुरातन की बातें लेकिन, सनातन पुरातन की बातें लेकिन, ये अनुभव का लेबल लगा देता है, बोले मैं की झूठी बीमारी छुड़ा कर गुरुजी, बोले मैं हम लोग वाणी से भी अगर मैं का प्रयोग करते तो गुरुजी हम लोगों पर गुस्सा होते थे, क्या मैं कर रही हूँ, कैसे बोलती हो, ऐसे बोलते थे। तो हम बोलने लगे, हम बोलने में बोलने लगे, बस हम बोलने के बाद समझ में कुछ नहीं आया, बस कहने से बोलने लगे, लेकिन वो हम बोलने का क्या हुआ, धीरे धीरे अंदर से समझ में आया, हम बोलने से वो ईश्वर हमारा हमेशा हमारे साथ रहता है, जो रह रहा है सच में, तो उसके साथ जुड़े रहते हैं, बाहर की मैं से थोड़े टूटते, बोले अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, बोले अभ्यास है ही नहीं, मैं का अभ्यास है, हम बोले, अब इस हम बोलने में थोड़ा सा भत्सरना तो होती है पब्लिक प्लेस में, किसी ऐसी जगह हो तो, लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने जो गुरु से सीखा है, जो हम लोगों ने गुरु के ज्ञान को जो अपने बोले व्यवहार में थोड़ा लाए, उससे ही उस हम की भी कोई औकात नहीं रह जाती है, वो वाणी बोलने का भी, जैसे ना अब गुरु जी के वजह से बोलते ना, उल्टे सीधे वाक्य, उल्टे सीधे शब्द भी आनंद देते हैं, राहत देते हैं, बहुत हंसी आती है, स्कूटर को बिस्किट बोले या किसी को कहें ऐसा कर, सब में एक आनंद आता है, एक अच्छा लगता है, तो वो ऐसा ही हमारे से भी लगेगा दूसरे को, अगर हम सबको अपने उनके ज्ञान को अपने व्यवहार में लाते हैं, व्यवहार में लाना बड़ा जरूरी है, तभी तो हमारी आपकी आदत पड़ेगी, कि नहीं हम संसार में व्यवहार ये कर ले, वहां पे ये व्यवहार करें, ऐसा नहीं होता, अंदर से ईश्वर देख के गुरु के विचार से व्यवहार करने की गुरु कला सिखाते हैं, बोले अंदर नहीं एक ना दो, बाहर खेल में है, होता क्या है बाहर का बात, बहुत शालीन व्यवहार करते हैं, बड़ा बहुत अच्छा सा, लेकिन अंदर जो एक खटास भरी होती है उस व्यवहार में, वो सामने बुद्धि वाले को भी समझ में आ जाता है, लेकिन उस सत्ता को तो बहुत समझ में आता है, वो तो सत्ता जो है ना ईश्वरीय, अंदर हमारे भी है तुम्हारे भी, उसको बड़ी अकल होती है, वो कुत्ते को भी अकल होती है कि किस तरह से इसको दिया जा रहा है, इज्जत, एक एक की इज्जत, इसको कहते हैं अंदर से इज्जत हो तो बाहर के शब्दों का कोई असर नहीं, वो पान वाली गोली काट के क्या कहता है,
एक होता है गंदी से गंदे चुड़ैल वाला बोलना या करना गंदा, एक होता है चुड़ैल। वो शब्दों का कोई महत्व खत्म हो जाता है, शब्दों का महत्व ही गुरु जी ने खत्म किया है, बोले अंदर का महत्व प्रकट किया। अंदर हमारी गंदगी है सोच में, तो वो सब तरफ वितरित होती है। हम समझते हैं अरे हम तो बढ़िया कर्म कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारा काम कर्म अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहाँ वितरित हो रही, वो अंदर की गंदगी सोच सब तरफ वितरित हो रही होती है, क्योंकि सबके अंदर वो साक्षी है, वही तो बैठा है, तभी तो हम सब हिलडुल रहे हैं, चल रहे हैं। तो वो साक्षी को अच्छा नहीं लगता है, बोले हम चाहे एक कुत्ते के साथ भी व्यवहार कर रहे होते हैं, बड़े छोटे बराबर वाले वो तो छोड़ ही दो इंसानों की बात, हमारा तो इंसानों के साथ भी इज्जत वाला व्यवहार नहीं है, एक इंसान को भी हम इंसान समझ के बात नहीं कर पाते, क्योंकि हर समय हमारी अंदर एक अहंकार की पुट होता है कि हम बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो ये शिकायत रहती है सबसे, नहीं तो बाहर खेल में कुछ भी हो चाहे वो दूसरा गलत है चाहे हम गलत करें, लेकिन शिकायत नहीं अंदर होती, जहां शिकायत है वहां कहां शुक्राना भी है, अंदर अंदर शुक्राना फलित हो जाए, अंदर ऐसी गुआई करो कि उसके नाम की भजन गाने गाओ, खेती करी मैंने, खेती गुआई मैंने किसके नाम की, तेरे नाम की, उसको भी कहता है मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे पर काबिलियत नहीं है, तेरे में काबिलियत है, तू तू मैं बो रहा हूँ, मेरा काम तो बोना है, हर जगह मैं तेरे नाम की खेती बोता हूँ। अरे हम कसम खा रहे हैं गुरु जी के एक एक बात से इतना लाभ जीवन में मिला, इतना लाभ मिला है, एक एक विचार से अपने व्यापारिक संबंध में भी लाभ मिला, गुरु जी की इन छोटी छोटी बातों को ध्यान करके, छोटी छोटी विचारों को। एक बार एक ऐसे आ गई थी मेरे दुकान पर, एक सास बहू आई थी और वो चढ़ी दुकान पे तो थोड़ी हाफ रही थी क्योंकि प्रेग्नेंट थी, और उस समय हम संतरा खा रहे थे, उसकी हालत देख के पता नहीं कैसे हमने संतरा उसकी तरफ कर दिया, और उसने बिना ना नुकुर, नहीं तो व्यक्ति सामने वाला ऐसे तो ना ले लेता है जल्दी, बहुत बातें सोचता है, उसने देना बिना ना नुकुर के ले लिया उस लेने, और जल्दी से सारा खा गई, उसके हाथ बैठ गई, उसके सास लेती रही सामान, और उसके बाद उसकी सास ने बहुत अच्छे से सब लिया, बल्कि उसने भी राय दे दे के उससे सामान, अपनी सास को बोला बैठे बैठे ये भी ले लीजिए माँ, ये भी ले लीजिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे लगा अरे गुरु जी तुम तो बड़े, हमने तो कुछ नहीं, सिर्फ उसकी हालत देख के ऐसे पकड़ा दिया था उसे संतरा अपने मुंह का, और कुछ भी नहीं, तो बोले व्यापारिक संबंध में भी लाभ मिल गया, शायद ना लेती शायद कुछ करती, अब तो उसको बैठ गई और साथ तो हुकुम दे दे के उसने बहुत सारी चीजें निकलवा ली। तो ये कहते नहीं चौतरफा लाभ मिलता है, आपके व्यवहार का, आपकी सोच का, आप जो खेती कर रहे हैं उसका, तो क्या आप वो खेती कर रहे हैं या आप नाम रूप की खेती से अपने को भरे पड़े हैं, आप खेती वो कर रहे हैं तो नामी रूप, नाम रूप में तो कुछ है नहीं यार, खटासी खटासी। बोले अंदर अंदर खेती करो, बाहर कर्म करो तो अंदर खेती करो उसके नाम की, देखो करके, हमें तो मिला लाभ, और हमें कोई गुरेज नहीं होता है बताने से, क्यों सबको लाभ मिले, तो सबको जो लाभ मिलेगा उसका आशीर्वाद भी तो मेरे हिस्से में आएगा, दूसरे के हिस्से में थोड़ा ना आएगा। तो इसलिए हम बताते हैं, मन की बात बताते हैं, सब बताते हैं, जरूर से बताते हैं, क्योंकि बैठे इस दरबार में गुरु जी के विचार से हैं, तो बताना है ना, लाभ सबको मिले हर चीज का, लेकिन वही है ना संभालना पड़ेगा। गुरु जी हम लोग रावण जैसा सर लेके गुरु जी के दरबार में पहुंचे, क्या अम्मा है गुरु जी सारी शिकायतें, हम तो ये करते रहते हैं गुरु जी, मैं तो ये करती हूँ, मैं करते थे गुरु जी, लेकिन गुरु जी ने क्या किया, सब में
अच्छा अच्छा कह के उसके बाद क्या किया, धीरे धीरे फिर बाद में उधेड़ना शुरू किया पहले तो प्यार प्यार करके, क्योंकि स्थूल अच्छा था तो उसमें गुरु जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वहां व्यवहार शालीनता का था, जो माँ बाप से संस्कार मिलते हैं आस पड़ोस से, उस संस्कार से व्यवहार हमेशा शालीनता का हुआ, लेकिन अंदर तो बहुत कुछ उल्टा सीधा सब। तो गुरु जी ने उस समय जब अंदर का उधेड़ना शुरू किया, अंदर की बखिया उधेड़ने में टाइम लगता है ना, ऊपर की जो होती है सामने बटन शटन वो सब बड़े आराम से जल्दी लग जाते हैं, लेकिन अंदर की बगिया जब आप उधेड़ो कपड़े की तो आपको टाइम लगेगा, कपड़ा भी ना फटे कायदे से उधड़ भी जाए, और फिर नए सिरे से सिलता है दर्जी, क्योंकि उधेड़ी इसी ले रहे हैं क्योंकि टाइट है या लूज है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा ही ये है ज्ञान कि अंदर का जब शुद्धता गुरु जी उधेड़ते हैं हम लोगों को तो बिलबिलाता है साधक, चाहे जो हो, चाहे वो हम हो, चाहे आप कोई भी हो, सब बिलबिलाते हैं उस समय, जैसे छोड़ के चले जाए, चाहिए नहीं ऐसा करे मन में ये सब आता है, लेकिन उसका प्रीत जो है छोड़ नहीं पाते हम लोग, उसकी क्योंकि उसकी प्रीत बाहर की नहीं है, आत्मा से है वो मुझे प्यार करता है, इसीलिए वो उल्टा सीधा देखता ही नहीं है, अपना पराया नहीं देखता है, बड़ा छोटा नहीं देखता है, दर्जा नहीं देखता है कि मेरा क्या दर्जा है, तेरा क्या दर्जा है, किस पोस्ट पे हम है, किस पोस्ट पे तुम हो, कुछ नहीं देखता है वो, सिर्फ उसके अंदर उसी परमात्मा को देख के काम करता है कि है आदतें गंदी है क्या किया जाए, तो धीरज हमको रखना पड़ेगा ना, तो धीरज रख के धीरज की नाव पे भक्त सवार होता है तो आराम में आता है, और तो धीरज ना करे तो कुछ भी करे बाहर से, खेत में उठा पटक आए तो बाहर देतू ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सब किसकी दात है, उसी गुरु की ही तो दात से समझ में आया, उसी के चरणों में उसी की धूल को, वचनों में जो उल्टे सीधे वचनों की भी जो धूल थी उसको माथे पर लगाया, माथे से माना, तब जाकर जो है ना वो नजर आने लगा, सब जगह आराम अंदर मिलने लगा। थोड़ी देर की दिक्कत होती है, थोड़ी देर की बस, इससे तो नहीं दिक्कत होती है, थोड़ी देर की तो होती है वर्तमान में, लेकिन वो थोड़ी सी दिक्कत भी क्योंकि आदत बन जाती है सद व्यवहार की, गुरु के विचार से तो वो काम करता है, बोले आदत ही तो बदलनी है, आदत है नाम रूप में रहने की, आदत अब गुरु के विचार से सत्य में रहने की डालनी है, सत्य में टिके नहीं, सत्य में आदत डालनी है अपनी गुरु के विचार से, तो क्या करना है, हर इंद्रियों को भी तो अपनी रोकना है, कर्म इंद्रियों को ज्ञान इंद्रियों से समझना है, उसको कर्म इंद्रियों से भक्ति करनी है बस, ज्ञान इंद्रियों से ये नहीं फलानी हंसी ढिमकाना ऐसा ये नहीं करना है, वो बड़ा खराब है ये बड़ा अच्छा है, नहीं, ज्ञान इंद्रियों से गुरु को देख के, ज्ञान से उसके रोल को देख के अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें वो नहीं अपनाना है, और अच्छा लग रहा है तो जरूर अपने लिए चुनले गुरुओं के मोती बिखरे जहां जहां पर, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है उसकी वो सच्चाई को ग्रहण करते, तो तुम और हम गुरु जी कहते थे एक फूल नहीं, फूलों का गुलदस्ता लेकर आते हैं ना लेते हैं, वैसे तो हमको गुरुओं का गुलदस्ता बनकर मेरे पास आओ, ऐसे गुरुओं का अभिमान क्यों करने लगे, क्योंकि ये कला भी तो गुरु जी ने सिखाई है कि कहां से आना, तो हम लोग को तो सिर्फ गंदगी देख के उसको ले आने की आदत आ जाती है, हम भी वही करने लगते हैं,
तो वहां आदर सत्कार नहीं होता तो हम भी अपने घर में आएगा तो आदर सत्कार नहीं करेंगे, ये सीख लेते हैं जल्दी, ये सब बातें सीख लेते हैं। लेकिन अच्छी बात सीखने में अपने साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है, मन के साथ बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है। अंदर से अच्छा सोचो, सब खेल है, कोई गलत नहीं कोई वो नहीं, हमारी अपनी नजर का कसूर है, अपनी नजर को बदलो, बनवाना पड़ेगा गुरु जी से हम लोगों को, सच कह रहे हैं, बिना बनाए थोड़ा ना खेल है, चाहे बुढ़े हो चाहे जितने सालों से आ रहे हो सत्संग में, इससे कोई मतलब नहीं है। कभी भी खेल में अगर हो रहा फलानी ऐसे ढमकाना ऐसा तो कहाँ खेल में, तुमने अभी भगवान देखा है कि कोई भी नहीं, सब भगवान ही से हो रहा है और हमारे तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है, हमारी सोच का फल मिल रहा है, हमें शांति इसमें तो नहीं है। जरूर सोचना, एक भी शंका करोगे तो हमारे पास नहीं आ पाओगे। एक बार राम को सांपों ने बांध लिया तो भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा जाओ सांपों को खाकर राम को सांपों से मुक्त करो, तो गरुड़ को ही शंका हो गई कि यदि भगवान ये राम भगवान होते तो खुद ही मुक्त हो जाते। अरे मन में इतनी सी शंका आते ही गरुड़ की भगवान से दूरी हो गई। तब गरुड़ को बड़ी चिंता हुई कि भगवान विष्णु उस पर क्यों नहीं चढ़ते, सबके पास कारण पूछने गए। किसी ने कहा कागभूषण के पास जाओ, जब कागभूषण का स्थान चार कोस दूर रह गया तो वहीं से गरुड़ को आराम आने लगा, क्योंकि कागभूषण जहां रहते थे वहां से चार कोस तक की जगह शुद्ध रहती थी। अतः कागभूषण जी के पास जाकर गरुड़ ने अपना जब समाधान कराया तब भगवान उससे प्रसन्न हुए। समाधान क्या, समाधान एक ही, मन में शंका आ गई ये राम अपने आप क्यों नहीं मुक्त हो जाते, मुझे आना पड़ा, वह अभिमान में अपना सर ना पैर पैठ बना ली सर पे बुद्धि में, यही तो है, हमने किसी का जरा सा कर दिया हम अहंकार से बड़े ऊपर हो जाते हैं, या किसी ने हमारा कर दिया तो हम अहंकार से ऊपर हो जाते हैं, हम बड़े काबिल हैं, यही तो है जो गर्त में ले जाता है। तो बोले अपना ही कर्म ले जाता है, अपना ही व्यवहार, दूसरा कोई नहीं, हमारी सोच ही हमको गर्त में ले जाती है, दूसरे की तो ताकत आई नहीं यार कोई ले जाने वाला, चाहे कितना गर्त में गिरा रहा, हम अपनी सोच से ही गिरते हैं। लोग हमारे पहनने ओढ़ने में शंका करते हैं, हम क्या करें, हम तो किसी से नहीं कहते हमको माला पहनाओ साड़ी पहनाओ, लोग भाव से प्रेम से लाते हैं तो हम क्या करें, हम मजबूर हो जाते हैं पहनने को। साधु और भगवान में बड़ा अंतर है, साधु भगवान को पाने के लिए साधना करता है, पर भगवान भगवान है, वह स्वयं ब्रह्म है तो किसकी आराधना करें। मन ऐसा कुत्ता है कि अगर कोई अच्छा काम कर दिया तो उसको सदा याद करता रहता है। द्रौपदी ने तो एक नेक काम किया और भूल गई, उसने भगवान कृष्ण की उंगली काटने पर बढ़िया साड़ी को भी फाड़ कर पट्टी बांध दी, पर वह जब सभा में नंगी होने लगी तो भगवान ने साड़ी पर साड़ी बढ़ाकर उसकी लाज बचाई। भगवान कुर्बानी को याद रखता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं जो हम कुर्बानी कर रहे हैं उसका फल हमें आज ही मिल जाए, या तो मेरी बड़ी प्रशंसा हो जाए या मेरे पास हो जाए, मतलब पता क्या क्या दिमाग में होती बातें, लेकिन बोले उससे होगा क्या, वो तो उस सब है। आज मेरे छोटे से कर्म का भी फल वो मुझे उस समय देता है जब मुझे बहुत जरूरत होती है जीवन में, जैसे FD बना के रख देते हैं ना हम लोग, ऐसे ही परमात्मा भी हमारे कर्मों के FD बना के रख देता है, जब जरूरत होती तो हम अपनी FD निकाल लेते हैं, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी, सुख में भी दुख में भी, दोनों में चाहिए होता है पैसा, ऐसे ही ईश्वर का नाम भी दोनों में चाहिए, दोनों हालातों में चाहिए।
अब कैसे ये युक्ति गुरु से सीखे कि दुख में कैसे बजे सुख में कैसे बजे, ये युक्ति गुरु जी बता दें कि कैसे व्यवहार करो, सुख में कैसा व्यवहार करो, दुख में कैसे व्यवहार करो। आया शरण ठोकरी जग की खाके, आया शरण ठोकरी जग की खाके, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरी जग की खाके, आया शरण ठोकरी जग की खाके, पहले मगन हो सुख की नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया, पहले मगन हो सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया, मिला तो वही जो लाया लिखा के, आया शरण ठोकरी जग की खाके, आया शरण ठोकरी जग की खाके, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरी जग की खाके, कर्मों की लीना बड़ी है निरानी, हरिश्चंद्र मर गट की करें रखवाली, कर्मों की लीला बड़ी है निरानी, हरिश्चंद्र मर गट की करें रखवाली, समझ में ये आया सब कुछ लुटा के, आया शरण ठोकरी जग की खाके, आया शरण ठोकरी जग की खाके, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरी जग की खाके, माने ये काया को है बस छलावा, रावण समानी बचने न पाया, माने ये माया का है बस छलावा, रावण समानी भी बचने न पाया, जिसे रखूंगा कहाँ तक मैं खुदी को बचा के, रखूंगा कहाँ तक मैं खुदी को बचा के, आया शरण ठोकरी जग की खाके, आया शरण ठोकरी जग की खाके, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके,
आया शरण ठोकरे जग के खाके न है कोई इच्छा न है कोई कोई क्या न है चाह कोई न है कोई इच्छा अपनी दया की हमें दे दोगे इच्छा न है चाह कोई न है कोई इच्छा अपनी दया की मुझे दे दोगे इच्छा जिसे सबने छोड़ा उसे तू ही राखे आया शरण ठोकरे जग की खाके आया शरण ठोकरे जग की खाके हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके आया शरण ठोकरे जग की खाके आया शरण ठोकरे जग की खाके मीठा खाओ तो उसका आनंद अपने आप आता है ना, उसका जो एहसास होता है वो हमने जो खाया है उसका अपने आप होता है ना। कड़वा खाए तो उसका अलग एहसास अपना है, एहसास तो अपने ही को होता है ना दोनों तरह से। ऐसे ही अगर अच्छे कर्म करके आनंद हमको ही तो आता है, तो हमें आनंद अगर नहीं आए हमें दूसरों से शिकायत शुरू हो गई है दुनिया ऐसी है तो जरूर झांको अपने अंदर। मेरा आनंद मुझसे क्यों जुदा है सही कर्म करने के बाद, जरूर झांकना चाहिए आनंद क्यों जुदा है क्यों। अरे मीठा हमने खाया है ना, गुरु जी है हमारे हैं, हमें अंदर में एहसास है ना, मजा है उसकी, एक अलमस्ती है ना मीठे की जो खाई है, बस उस मस्ती में रहो ना। क्या कारण है कि हमारी मस्ती कायम नहीं रह पाती, अपेक्षा से, हमें सुधारने वाले से अपेक्षा होती है, अपेक्षा ही तो छोड़नी है। गुरु जी ने यही तो बोला है, चाह चमारी चेरी अति नीचंते नीच, तू तो पार ब्रह्म है यदि चाह ना हो। होता क्या है जो हमें मिलता है उसमें भी हम ना ना करते हैं, जो नहीं मिलता है उसमें आय आय करते हैं, मिले तो ग्रहण कर लो ना मिले तो शुक्राने में रहो धीरज में रहो। ये ज्ञान है या नहीं, यही ज्ञान है ना, शिकायत में नहीं रहो सब आ गए कोई नहीं सब हमने देख लिया ये सब बातें मुझसे निकलती हैं। अरे तो इसका मतलब जाना नहीं है अभी, अभी उसको प्रकट नहीं किया है, अभी खेती जो है ना नाम रूप की करने में लगे हैं, नाम रूप की खेती से तो ना कुछ मिलने वाला है, उसके नाम की करो खेती, हर जगह उसको प्रकट करके रहो। बोले अभ्यास तो अंदर से करना ही पड़ेगा, सोच में अभ्यास ही तो है, बाहर से कर्म है सोच में अभ्यास है। दुखी है कहने को मुखौटा लगा है मैं बड़ा सुखी हूँ भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन अंदर में अपने घर में कितना दुखी है, किस किस लोगों से ये जो जो दुखी है सब अपने अपना हृदय खुद ही जानते। गुरु जी इस दुख से निकालने का अभ्यास कर रहे हैं, वही ज्ञान दे रहे हैं हम लोग, हम लोगों की कोई औकात नहीं है कि हम ज्ञान दे ले सकें, ले भी पाते हैं तो वो भी उनकी कृपा है, दे पाते हैं वो भी उनकी ही कुछ है, उनकी को शायद कहते नहीं थोड़ा सा खिसक के उनको स्थान देते हैं, अब खिसकेंगे तभी तो किसी को बैठा सकेंगे,
तो खिसकना तो पड़ेगा अपनी मैं से हमें तुम्हें, तभी वो बैठ पाएंगे। थोड़ा सा खिसक तभी वो बैठेंगे, अन्यथा तो न देखे तो वो बैठने वाला मुझसे है, क्योंकि उनको खुदी की बड़ी परवाह है उनके जैसा तो खुददार कोई है ही नहीं। तो शाह का शाह फिकर सबको खा गई, फिकर की जो फाकी लगाता है उसका नाम फकीर। भजन गाते हैं ना, फिकर सबको खा गई, फिकर सबका खा गई, और फिकर की जो फाकी लगा कर रहता है अपने जीवन में वाका नाम फकीर। अलख के अमल पर लिरिक्स निकालो सुनाए, चढ़े योगियों को जराए तरन सम, जगत बादशाही अलख के अमल पर, चढ़े योगियों को जराए तरन सम, जगत बादशाही अलख के अमल पर। सीटी तो होगी नहीं स्कूल मासी, इसका मतलब भी बता दीजिएगा जय सतगुरु। भजन का शब्दशा मतलब भी बताइएगा, भजन का मतलब इसका जो अलख के अमल मतलब आत्मा दिखने वाली नहीं है ना, लेकिन गुरु की मान के हम अपने को उसके विचार पर रखते हैं अपने व्यवहार को, या गुरु के विचार से तो बोले वो अमलता में हम लाते हैं उस ज्ञान को। तो अलख के अमल पर जो चढ़े हैं योगी उनको ये जो माया है ना बादशाही जगत की, वो तिनके के समान लगती है। जलाए मीन्स लगना, ये गुजराती वर्ड है, तो जलाए मीन्स लगना, त्रसम मतलब तिनके के समान उनको लगती है ये सारी बादशाही। तो बताओ जिसको बादशाही तिनके के समान लग रही है उसकी उसके अंदर की कैसे होता है, उसकी उसकी निश्चिंतता, उसकी निर्भरता, उसकी निर्भयता, उसकी अलमस्ती कैसे, अंदर की चीज कैसे बताई जा सकती है। वो तो एहसास से आप मीठा कहो तो आपको लगेगा अच्छा। अब आप खाने के साथ मिर्ची खाना पसंद करते तो वो भी अच्छी लगेगी, क्योंकि इस समय मिर्ची खाने के साथ चाहिए, वो भी अच्छी लगती है। दोनों अच्छे लगते हैं, इसलिए साधक को दोनों अच्छे लगते हैं। गा पाएंगे, गाते नहीं है कभी, हम सही से सुनते हैं क्योंकि वो उतार चढ़ाव कर नहीं पाएंगे। अलख के अमल पर चढ़े योगियों को जड़ाए तरन सम, जगत बादशाही अलख के अमल पर, अमल की यारों खुमारी ना उतरे, अमल की ओ यारो खुमारी ना उतरे, अंदर शमशान को परवाना काई, अलख के अमल पर चढ़े योगियों मतलब अमल की जो खुमारी चढ़ती है अंदर में वो उतरती नहीं है, और उसके सामने शहंशाह की भी परवाह नहीं करता है, बदतमीजी नहीं करता है, लेकिन डरता भी नहीं है। परवाह का मतलब डरता भी नहीं है। अमल की ओ यारों खुमारी न उतरे, अदर्शन शाको परवान कोई, अलख के अमल पर है तृष्णा भिखारी जो
मिले शहनशाही है तृष्णा भिखारी जो मिले शहनशाही न टूटे वहां तक जहां तक बादशाही न टूटे वहां तक कहां बादशाही है शाहों के शाह अदल फकीरियाई है शाहों के शाह अदल फकीरियाई सर्व त्याग कर जिसने तृष्णा मिटाई मतलब वो शाहों का शाह है देखने में फकीर है लेकिन शाहों का शाह है किस कौन जिसने सर्व त्याग कर तृष्णा अपनी मिटाई अभ्यास जो कर रहा है अलख के अमल पर चढ़े योगियों को जड़ाए तरण सम जगत बादशाही अलख के अमल पर कदम पे है झुकती खलक सारी आई कदम पे है झुकती खलक सारी आई झुके राम राणा बेतुल बादशाही झुके राम राणा बेतुल बादशाही जगत जहांगीरी है फिकर जिसने खाई जगत जहांगीरी है फिकर जिसने खाई फना के मुकाम से आशा उठाई फना के मुकाम से आशा उठ मतलब उसके ऐसे संत ऐसे भक्त के आगे सारी प्रकृति झुकती है जो बौद्ध राव राणा मीन्स जो भी महाराजा बादशाह होते हैं वो भी उसके कदमों में झुकते हैं ये हम लोगों ने अपने गुरु जी के साथ देखा है जगत जहांगीरी है किसके लिए जगत पे राज्य करता है कौन जो फिकर को खा जाता है फिकर को खत्म करता है पना के मुकाम पर मतलब अंतिम अंतिम मुकाम होता है ना जहां मिट जाएंगे शरीर भी चला जाए वहां से भी उसने मिटने की आशा मतलब कि हमें जैसा चाहो तुम वैसा रखो शरीर को तो वो आशा भी खत्म कर देता है तो बोले वो ही कौन होता है जो अलख के अमल पर चलता है मतलब मैं आत्मा हूं इसका अभ्यास अंदर ही अंदर करता रहता है फिर वे इधर बादशाही उन्हें उधर बादशाही इधर बादशाही उन्हें उधर बादशाही मिटे खुफियारी मिली मुफल साई मिटे खुफियारी मिटी मुफल साई न आना न जाना मिटी झंझटाई न आना न जाना मिटी झंझटाई फकीरी है ऐसी अदल शहनशाही मतलब उसकी फकीरी जब आ जाती है तो शहनशाही मिलती है इधर भी शहनशाही उधर भी शहनशाही तभी भक्त
बोलते हैं चित्त भी अपनी पट भी अपनी, बहुत तकलीफ में आते हैं इसी बात से। और सच्चाई है दोनों तरफ, ऐश्वर्य मिलता है अंदर का भी बाहर, इधर बादशाही भी उनकी चलती है और अंदर में भी उनकी बादशाही चलती है। मन की बादशाही में नहीं रहते, वो मन को बादशाह बना के नहीं रहते, स्वयं बादशाह बनते हैं अंदर से। यही तो गुरु जी ने हम लोग को बताया। तो क्या है, ना आना ना जाना मिटी झंझट है, ये जो जन्म मरण का चक्कर है खत्म होता है। सब है उसी में और वो है सभी में, सब है उसी में और वो है सभी में, नजर एक भी नहीं दूजी समाई, नजर एक भी नहीं दूजी समाई, कहे लाल जिसने मस्ती को पाई, कहे लाल जिसने ये मस्ती को पाया, अमर तख्त पर गादी अपनी बिछाई, अमर तख्त पर गादी अपनी बिछाई, अलख के अमल पर चढ़े योगियों को जराए तरण सम जगत बादशाही, अलख के अमल पर जैसा।